1501 में उत्तर प्रदेश के बनारस इलाके के गाजीपुर में जन्मे हजरत मोहम्मद गौस साहब भारत के ऐसे पहले सूफी संत हुए थे जो गंगा किनारे पैदा हुए थे, जहां आज से 2700 साल पहले भगवान रामचंद्र जी के गुरु मुनि वशिष्ठ के पिता राजा गाधी का शासन होता था। मोहम्मद गौस साहब गाजीपुर से 12 साल की उम्र में चुनार के जंगलों में ज्ञान की खोज में 11 साल तक व्यस्त रहे। तब जाकर उनके गुरु हाजी हमीद उद्दीन साहब ने उन्हें ग्वालियर जाने का आदेश दिया। ১৫২৩ में ग्वालियर आकर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में दाखिल हुए, जहां आपके तमाम आम व खास लोग उनके ज्ञान और उनकी शख्सियत से प्रभावित होकर शागिर्द यानी मुरीद बने। ग्वालियर फोर्ट आकर मुगल सम्राट बावर ने मुलाकात की। जब बावर के कान में दर्द हुआ, तब अपने सिपा सरारों की सलाह पर फोर्ट में रह रहे प्रसिद्ध सूफी संत साहब से मिलकर उनसे रूहानी इलाज कराया। हजरत गौस साहब से ग्वालियर किले पर ही 1533 में दो बार युवराज व सम्राट हुमायूं ने भी भेंट की। उन्हें अपना पीर घोषित कर दिया, जिससे नाराज होकर तत्कालीन प्रसिद्ध सम्राट शेर शाह सूरी गौस साहब को 1543 में बंदी बनाने के लिए ग्वालियर में फौज भेज दी। फौजियों से ग्वालियर की आम जनता की रक्षा करने के लिए हजरत गौस साहब ने फौजियों के सिर कलम करने पड़े। ये वाक्या माता प्रसाद गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मधु मालती में विस्तार से बताया है। हजरत गौस साहब 1543 के बाद अहमदाबाद गुजरात चले आए, जहां आप 17 साल तक रहे। यहां आपने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के सामने 1 किलोमीटर दूर दौलत खाना नामक स्थान पर एक सुंदर एक मीनारा मस्जिद का निर्माण कराया व यहीं आपके 3 पुत्र व 1 पुत्री के मकबरे भी हैं। हाँ, तो ये गौस साहब की 14वीं पीढ़ी से हूँ मैं जी, और आपके 3 साहबजादे यहाँ पे हैं जी, एक हजरत उमेश शाह जी, एक हजरत इस्माइल शाह जी, और शाह दीवान साहब मुजफ्फर शाह बालापीर वाह जी, और एक मजार है उमेश शाह की साहबजादी जी, जिनका नाम है दौलत खाइर जी, जिसके ऊपर से इस दौलत खाने का नाम पड़ा। महात्मा गांधी के शहर अहमदाबाद में गौस साहब ने 16वीं सदी में शांति भाईचारे का पैगाम दिया, जो महात्मा गांधी ने काफी आगे बढ़ाया।
वह हिंदू मुस्लिम एकता की आगे चलकर मिसाल बना। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर अपने पिता के पीर गौस साहब से ही प्रभावित होकर सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने धर्म निरपेक्षता की नींव डाली। वह तमाम राजपूतों को सत्ता में भागीदारी प्रदान कर उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। हजरत गौस साहब का जहां जन्म हुआ गाजीपुर में उल्टी गंगा के बहने का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। यहां उत्तर वाहिनी गंगा बहती है जो पटना की ओर जाती है। यहां के करिंदा ब्लॉक में तीन तरफ से गंगा जैसी महानदी बहती है। ये इलाका गाजीपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जिगना किनारा अरी घाट है जो पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदी बहती है। बरसड़ा इलाके में पूरब में धर्मपुर जमनिया घाट है। बरसड़ा से कसेरा गाजीपुर शहर की तरफ 10 किलोमीटर के करीब उल्टी गंगा बहती है। पूरब से पश्चिम की तरफ गंगा 3000 किलोमीटर बहकर 24 बड़े शहरों व 6 राज्यों के 10-12 करोड़ लोगों को फैज पहुंचाती है। महत्व उत्तर वाहिनी की वजह से महत्व यहाँ है और आरती किया जाता है, इसका महत्व बहुत पूर्ण माना गया है उत्तर वाहिनी की वजह से। अच्छा, पहला जो है बलुआ माना जाता है, दूसरा यहाँ जमनिया में जी। यहाँ लंबा है 10 किलोमीटर के अंदर उत्तर वाहिनी है, वहाँ जो है 5 किलोमीटर के बलुआ कहाँ चौबे थाना बनारस में पड़ते हैं, बनारस। गाजीपुर में ही विवेकानंद जी के गुरु महर्षि सूत का आश्रम है व यहाँ सम्राट अशोक के भी कई अवशेष हैं। भारत के गवर्नर जनरल रहे कॉर्नवालिस का मकबरा भी यहाँ है। सारनाथ में आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला शांति सद्भावना का संदेश दुनिया भर को दिया। यहीं के मंदिरों में अकबर के शासन के दौरान 1600 सदी के अंतिम 1570-80 के बीच संत शिरोमणि तुलसीदास ने प्रसिद्ध कृति रामायण को लिखकर रखा था, जिसकी रक्षा अकबर के सेनापति टोडर मलजी ने की थी। बनारस का भगवान विश्वनाथ मंदिर विश्वविख्यात है। हजरत मोहम्मद गौस भारत के ऐसे पहले सूफी संत हुए जिन्होंने 8 पुस्तकें लिखकर देश दुनिया भर में सूफी मत का प्रचार प्रसार कर शांति सद्भाव को मजबूत किया। उनकी लिखी पुस्तकें पटना की खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो दुनिया भर में मशहूर है ये आज भी रखी हैं, जिनमें से ज्यादातर का प्रकाशन भारत, पाकिस्तान, काबुल, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि में भी हो चुका है। प्रसिद्ध उर्दू के जानकार प्रोफेसर नारंग ने भी लिखा है कि हजरत गौस साहब मानवता शांति सद्भाव के महान सूफी संत रहे थे। वीर शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास जी भी उनसे प्रभावित हुए थे। जब भारत में 5-6 करोड़ की आबादी होती थी तब गौस साहब के सत्तारिया सिलसिले पर यकीन रखने वाले लगभग 5 लाख लोग उनसे प्रभावित थे। शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास व उनके दादा
मनोजी राव शाहजी गौस साहब की सूफी परंपरा से जुड़ गए थे। बनारस से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर शहर वैदिक काल से वो गौतम बुद्ध के आभा मंडल का इलाका रहा है। ये क्षेत्र शिक्षा, संस्कार व सद्भावना का शुरू से ही केंद्र रहा है। चीनी प्रसिद्ध यात्री व इतिहासकार वेनसांग ने भी इस क्षेत्र में अनेक यात्राएं कर यहाँ के इतिहास को गौरवशाली व सद्भाव का केंद्र बताया है। बनारस के निकट तीनों तरफ गंगा है और जल है। बनारस और गाजीपुर को सब यूपी कहते हैं। बनारस और गाजीपुर को सब यूपी कहते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं। जहाँ गंगा की धारा बहती है उल्टी दिशाओं में, वही है धाम मुक्ति है खुली जिसकी हवाओं में। परम पद पर गए हैं जो नदी गंगा में बहते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं। तानसेन साहब का जमाना था, मोहम्मद गौस को अपना जिन्होंने पीर माना था। जमाने भर के सूफी संत ये पैगाम देते हैं। जमाने भर के सूफी संत ये पैगाम देते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं। सूफी संत बाते हैं वही पदवी कुतुब और गौस जी से वो नवाते हैं। लिखी पुस्तक से उनकी ज्ञान के झरने बहते हैं। लिखी पुस्तक से उनकी ज्ञान के झरने ही बहते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं। परिवार में कुल 8 भाई हैं। जो नाम है गौस से मशहूर है एक ताल कहते हैं। नाम है गौस से मशहूर है एक ताल कहते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं। मोहम्मद गौस सन 1523 में ग्वालियर आए, वो आए एकता का अमन का पैगाम भी लाए। सभी मिलकर जनाबे गौस की खिदमत में रहते हैं। सभी मिलकर जनाबे गौस की खिदमत में रहते हैं। मोहम्मद गौस है मशहूर सूफी संत कहते हैं।